की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है। आज शाम दिल्ली के लिए सीएम रवाना होंगे। नीति आयोग की बैठक में सीएम शामिल होंगे। कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक है होनी है। आपको बताते चले, बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, जहां आज शाम दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे और नीति आयोग की बैठक में सीएम हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी, जिसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, विष्णुदेव साय सीएम का आज दौरा, और ये दौरा काफी ज्यादा अहम है क्योंकि कई बैठकों में शामिल होते हुए सीएम नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि भारत को किस तरीके से विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ 2047 में किस तरीके से विकसित होगा, छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, इन तमाम बातों को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार मंथन कर रही है। अब नीति आयोग की बैठक होनी है, तो कल ये बैठक है, तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इस बैठक में वो छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या क्या आवश्यकताएं हैं और छत्तीसगढ़ में विकास किस तरीके से हो सकता है और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को कितनी मदद कर सकती है। और नीति आयोग की बैठक है तो यहाँ पे पॉलिसीज निर्धारित होनी है और उन पॉलिसीज में छत्तीसगढ़ का भी की पॉलिसीज पर भी चर्चा हो सकती है और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बेहतर कार्य हो रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आज शाम को विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल जब बैठक होगी तो उस बैठक में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव, ये दोनों उनके साथ दिल्ली जाएंगे और बैठक में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से जितने भी सभी मुद्दे हैं और विकास की जितनी भी परिकल्पनाएं हैं, इन सब विषयों पर वहां पर बातचीत होगी और छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रतिनिधित्व किया जाएगा। जी बिल्कुल, विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बैठक के दौरान उठाए जा सकते हैं? चर्चा के दौरान बैठक का एजेंडा भी साफ नहीं किया गया, लेकिन बिल्कुल इस बात को अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2047 मतलब विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका होगी, छत्तीसगढ़ का विकास किस तरीके से होगा, तो उन तमाम बातों का जिक्र होगा। तो छत्तीसगढ़ की जब भी किसी भी नीति में चर्चा होती है तो इस बात को लेकर चर्चा होती है कि जैसे बस्तर है, बस्तर में नक्सलवाद को किस तरीके से समाप्त किया जाए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का जब दौरा हुआ तो उन्होंने पहले ही कहा कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ सरकार की दावा भी है। और बीते दिनों देखें जिस तरीके से अग्रसेन ने सुरक्षा बल ने नक्सल मोर्चे पर आगे बढ़े हैं और मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें बड़े नुकसान हुआ है माओवादियों को, तो ये तमाम चीज किस तरीके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो एरिया है वहां पर विकास किस तरीके से किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए और विकास की राह कैसे खोली जाए, क्योंकि विकास ही एक ऐसा साधन है जो पिछड़े लोग हैं और जिनको माओवाद से प्रभावित हैं वो विकास देखकर के मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से जिस पर चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई अहम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के लिहाज से चर्चा होती हुई इस बैठक में नजर आएगी, ऐसे में ये दौरा बेहद ही अहम है।